नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मनाने गई एक लड़की की लाश समुंदर किनारे दफन मिली। लड़की की गोली मारकर हत्या की गई थी। लड़की को मारने से पहले हमलावरों ने उसी से कब्र खुदवाई थी और फिर हत्या के बाद लड़की को उसी में दफन कर दिया। द सन यूके के मुताबिक यह वारदात ब्राजील के सेंटा कैटरीना राज्य की है। मृतक लड़की का नाम अमांडा अल्बास है, जो महज 21 साल की थी। अल्बास की हत्या के बारे में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि उसे अपनी कब्र खोदने के लिए मजबूर किया गया, फिर गोली मारकर उसको उसी में दफना दिया गया। आपराधिक जांच विभाग के पुलिस प्रमुख ब्रूनो फर्नांडिस ने कहा कि अल्बास अपने दोस्तों की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए कुछ दोस्तों के साथ सेंटा कैटरीना गई थी। वहां कुछ ऐसे लोग थे जो कथित रूप से ड्रग्स के धंधे से जुड़े थे। इसी दौरान अल्बास ने उनकी तस्वीरें ले ली, जो उन्हें नागवार गुजरी। ऐसे में उन्होंने अल्बास की हत्या करने का प्लान किया। इधर जब अल्बास पार्टी से नहीं लौटी तो घर वालों को फिक्र हुई। उन्होंने उसके नंबर पर फोन किए, लेकिन नंबर बंद जा रहा था। ऐसे में घर वालों ने पुलिस से शिकायत की। इस घटनाक्रम के बीच पुलिस के हत्थे एक संदिग्ध ड्रग डीलर चढ़ गया। कड़ाई से पूछताछ में उसने अल्बास की हत्या करने की बात कबूल कर ली। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।